डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू होशांत्स किचन। आप जानते हैं कि 100 ग्राम टोफू में करीबन 8 ग्राम का प्रोटीन होता है जो आपके बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है किनोवा और टोफू सैलड। बड़ी आसान से बनने वाला ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाता है और वन ऑफ माई फेवरेट ब्रंच रेसिपीज भी है ये। किनोवा और टोफू सैलड बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी हम पहले लेंगे टोफू और इसके हम डाइसेस करेंगे। बहुत जल्दी कट जाता है। टोफू फ्रेश आप यूज़ करिएगा। अगर पैकिंग आप टोफू यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको दूसरी बार भी रख सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए पानी में डाल के उसको अगले दिन फिर से पानी चेंज करिएगा, तो बहुत दिनों तक आपका टोफू फ्रिज में रह जाएगा। टोफू कट गया ये हमारा, तो अभी मैं यहाँ पे मैंगो ले रहा हूँ। आप मैंगो की जगह अगर कभी आप ये ऑफ सीज़न में बना रहे हैं तो आप आंवला या कोई भी सीड्रस फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये स्ट्रॉबेरीज या इवन आई लव टू ऐड पाइनएप्पल आल्सो टू इट। तो इस तरह से हम अपने मैंगोज़ के छोटे छोटे डाइसेस करेंगे। मैंगो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है एक फ्रूट एडिशन होने का। तो जैसे मैंने पहले बताया, आप कोई भी फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सीड्रस फ्रूट्स हो तो बात कुछ और ही है। ये हमारा मैंगोज डाइस हो गया है, ये देखिए। और अब हम अनियन डाइस करेंगे। कुछ ऐसे ये हमारा अनियन भी डाइस हो गया है। मैं यहाँ पे कैनोला ऑयल यूज़ कर रहा हूँ विच हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। आप सैलड ऑयल या कोई भी ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन जो हमने काटा था डाइस और थोड़ा सा जिंजर और टोफू, ये तीनों डाल के हम सौते करेंगे। हल्का सा जीरा पाउडर यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है और बींग एन इंडियन तो सैलड में थोड़ा सा टच अच्छा हो जाता है, स्वाद अच्छा आ जाता है। और टोफू के जगह कभी आप कुछ और यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आप पनीर या इवन चिकन के साथ भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये हमारा सौते हो गया टोफू। अभी हम इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर और सैलड ऑयल। अभी अच्छी तरीके से नींबू निचोड़ लेंगे। और इसको स्ट्रेन करके हम अपने सैलड की ड्रेसिंग में मिलाएंगे। इसको बीट अच्छी तरह से कर लीजिए क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारा ड्रेसिंग तैयार है। अभी जो किनोवा का एक प्रोसेस है कि किनोवा आप सोक करके भी बना सकते हैं या 10 मिनट के लिए बॉईल भी कर सकते हैं, तो आपका किनोवा ऐसे खिला खिला सा बन जाएगा। इस पे अभी मैं जो ड्रेसिंग मैंने बनाई है वो ऐड कर रहा हूँ। आधा ड्रेसिंग हम वेजिटेबल्स के साथ डालेंगे और आधी ड्रेसिंग हम किनोवा में रखेंगे। किनोवा में अच्छी तरीके से ड्रेसिंग मिला लिया मैंने। अभी हम सैलड को फाइनली ड्रेसिंग करेंगे या उसकी प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने लेटस लिया हुआ है, क्रिस्पी हेड लेटस। आप कोई सा भी लेटस यूज़ कर सकते हैं, आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे मैंने किनोवा डाला और मैंने ट्रायंगल्स पे पेपर्स काटे हैं। मैंने एक और एक वीडियो बनाया था, मेरे चैनल में है, रिगार्डिंग कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर कहीं भी आपको कोई भी वेजिटेबल कट्स में इशू आ रही है तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेजिटेबल अच्छी तरीके से ड्रेसिंग में मिलाने के बाद मैंने इसमें लगा दिया। अभी मैं कलर के लिए थोड़ा बीट रूट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बीट रूट स्टीम किया हुआ है, आप रोस्ट बीट रूट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको टोफू डाल के मैंने फिनिश किया। अभी जो मैंगोज हमने काटे थे वो सेंटर पे मैंने डाल दिए। आप यहाँ पे राइप मैंगोज भी यूज़ कर सकते हैं अगर सीज़न में आपको मिल जाता है तो। स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, एवरीथिंग एड्स अ ब्यूटीफुल टच।
थोड़े एलमंड्स मैंने डाले यहाँ पे इसको थोड़ा क्रंच देने के लिए, और फिनिश किया मैंने मिंट से। ये देखिए बड़े जल्दी से बन गया ना हमारा सैलड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।